हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। अभी हम आ चुके हैं जयपुर में और मिलते हैं एक किसान से, गोट फार्मर से, और जो काफ़ी दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी सालों से, और इनके पूर्वजों से चल रहा है। इनके पापा भी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले मिलते हैं हम राकेश भाई से। राकेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर। सबसे पहले राकेश भाई, अपने गोट फार्म का एड्रेस बताइए। सर, अपना गोट फार्म है जयपुर के अंदर, वैशाली नगर, जयपुर। वैशाली नगर के अंदर, जयपुर के अंदर। वैशाली नगर में किधर पड़ता है ये? सर, ये वैशाली नगर ये पड़ता है अपने जो तो अशोक भाई के नाम, राकेश भाई बताइए, अपने नियर बाय गोट फार्म रेलवे स्टेशन कौन सा? रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर जयपुरी। हाँ, जयपुर, जयपुर रेलवे स्टेशन। तो ठीक है, दिखाइए, क्या दिखाने वाले हैं आज? मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिरोही गुजरी, सोजित का भी माल है अपने पास में। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ बिल्डर। बिल्डर दिखाइए। कितने पेट पे है सर? ये होगा 80 केजी के ऊपर। 80 केजी से ऊपर का? हाँ। गुजरी है, कौन सा है? गुजरी है। कितने दांत पे अभी? ये फ्रेश 4 दांत पे लग रहा होगा, था 2 दांत है अभी, अभी तोड़े हैं। हाँ, 2 दांत पे लग रहे थे। हाँ, 2 दांत पे था, 4 दांत कर लिया अभी इसने। करीब इसकी एज हो गई 18 महीने की लगभग। हाँ, 18 महीने। लेकिन इसने वजन बहुत गेन किया, क्या खिलाते हैं आप इसे? जंगल कर दी, गेन कर लिया जंगल से। और ये बकरी दिखाई, लोडी रहे गाभिन है अपनी बकरियाँ भी है जो भी, ये भी जंगल चर के ही वेट इतना गेन करती है। तो आपके पापा चरा के अभी चरा के ही जस्ट लेके आए हैं। हाँ। और शाम का टाइम होने वाला है, जस्ट पापा ले गए यहाँ तुरंत, हम वीडियो शूट कर रहे हैं और बिल्कुल जंगल से लाए हैं एकदम, सब खाए पी हुई तन है और जंगल ही जाती है मेरे साथ ज़्यादा। ये बकरी दिखाई, और डेली दूध निकालते होंगे आप इनका? हाँ जी सर। दूध भी सेल करते होंगे? अभी अधिकतर मतलब तकरीबन इसके अंदर पूरी ब्याने वाली बकरियां, ज्यादातर सब लोडेड है। ये देख रहे हैं हम, ये भी लोडेड है, एक वो सारी लोडेड है। क्या वजन होगा इसका सर? ये होगी अपने 85 केजी का। कितना दूध होगा इसके नीचे लगभग? सर ये अभी तो ब्याने वाली है, ब्या जाएगी तो इसके नीचे है 2 लीटर टाइम का दूध है मतलब। और दूसरी दिखा दीजिए, ये भी ब्याने वाली बकरी। सर ये भी ब्याने वाली बकरी है। क्या वजन रहेगा इसका? सर ये 45 केजी के आसपास की। 45 केजी की? अच्छा, कितने मंथ की लोडेड है अभी ये? सर ये 3 महीने की लोडेड है। वो पीछे वाली पकड़ना, ये कितने मंथ की लोडेड है? सर ये 4 महीने की लोडेड है। सोजत की बकरी अंदर है शायद, ये बड़ी बकरी और दिखा दी। तो ये जितनी वीडियो में हम बकरी देख रहे हैं ये सारी फॉर सेल के लिए हैं। हाँ जी सर, अगर कोई कस्टमर आएगा अपना, सर जैसे ट्रेडिंग का काम है जी, ये अभी 100 केजी की बकरी है। अच्छा, तो लगभग पापा आपके ये काम कब से कर रहे हैं? सर पापा को तो हो गए तकरीबन 20-25 साल हो गए। अच्छा, ये भेड़े मेड़े भी रखते हैं? भेड़े भी रखते हैं। ये भी देते हैं आप? कितने रुपए केजी देते हैं इसे? सर ये तो 240 रुपए केजी के हिसाब से देते हैं। अच्छा, और पीस से लेना चाहे तो ये कितने का पीस होगा जो बैठा है? ये होगा सर अपने 12,000 रुपये की पीस। चलो अंदर सोजत बकरियाँ देखते हैं। सबसे पहले सोजत बच्चे दिखाइए आप। जी भाई को ये बच्चे पकड़ लीजिए बकरी के साथ में। बच्चे दोनों पकड़ लो। हाँ, बकरी भी पकड़ लो। बकरी ले रहा आराम से। तो राकेश भाई, ये बकरी के 2 बच्चे हैं जी सर? बिल्कुल। मेल फीमेल है, क्या है? दोनों फीमेल है सर। और ये भी दोनों फीमेल है, बड़ी वाली? हाँ जी सर। तो ये बकरी बकरी कितने रुपए की होगी ऐसी खड़ी? सर ये आएगी सोचे थे 350 रुपये केजी के हिसाब से देंगे। 350 रुपये केजी से? और अगर खड़ी से लेना चाहे पट्टी से कोई तो? पट्टी से सर ये मिल जाएगी आपको 12,000 रुपये की बकरी मिल जाएगी। 12,000 रुपये बकरी मिलेगी ऐसे ही अगर लेना चाहे? हाँ, बिना वजन कराए ऐसे लेना चाहे? हाँ, तो कितना वजन होगा इसका लगभग? लगभग होगा सर इसका 40 किलो के आसपास। 40 किलो के आसपास का? 40 इनको आप कर लो ना 350। 350 के हिसाब से लेंगे तो 14,000 रुपये बन रही है। हाँ, वो ही। और पट्टी से लेंगे तो 12,000 की पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से पट्टी से लेना ज्यादा बेहतर है। पट्टी के अंदर सर ऐसा होता है जैसे 10-20 जानवर ले रहे हैं ना, तो उसके अंदर कोई हल्का भी आ जाता है कोई भारी भी आ जाता है, उस हिसाब से एक हो जाता है रेट तय हो जाती है। अच्छा, और ये बकरी हमने देख ली क्या? ये वाली सर सारी ही फॉर सेल के लिए है। इसमें गुजरी कौन कौन सी नस्लों की है इसमें? सर इसमें 3 नस्ल है, सोजत है, सिरोही है, गुजरी है।
सोजत सिरोही पे अपनी उसे क्या बोलते हैं कटिंग के लिए पर्पज से है, लेकिन ये फार्मिंग वाली सीप है बढ़िया, वो मुजफ्फरबादी। हाँ मुजफ्फरबादी। अच्छा, और बात करते हैं हम अगर किसी को कटिंग के लिए बकरी चाहिए मिक्स वाली, हाँ। तो वो कितने रुपए केजी या पट्टी से आएंगी उसको बताइए थोड़ा। बकरियाँ जी, बकरियाँ सर अगर आप पट्टी से लोगे तो 12,000 की पट्टी से लेकर 15,000 तक की पट्टी में मैं आपको बकरी। फार्मिंग की कटिंग की? फार्मिंग की सर। कटिंग की चाहिए हो किसी को 30-40 केजी की, तो वो कितने प्राइस में आएगी? कटिंग की आएगी सर वो आपके आएगी 30 से 40 केजी की आएगी 10,000 रुपए की। 10,000 से 10 से ऊपर नीचे हो सकता है, 40 केजी की 250 रुपए केजी के हिसाब से आपके पड़ जाएगी। अच्छा, आप जो रेट बता रहे हैं वो ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल हो सकता है। हाँ। और किसी भाई को चाहिए हो तो वो आप आ सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर आपका डिस्प्ले दिख रहा है। हाँ। और किसी भाई को आना है तो वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है डायरेक्ट जी सर, या फिर जयपुर रेलवे स्टेशन पर आकर इन्हें कॉल कर लेगा, आप रिसीव कर लेंगे उसे। हाँ जी सर बिल्कुल रिसीव कर। एक बार लास्ट में एड्रेस बता दीजिए, अभी कहाँ खड़े हैं हम सर? अपन खड़े हैं विशाल नगर जयपुर जी, नियर बाय रंगोली गार्डन जी। रेलवे स्टेशन कितना? रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है जी, और अपने एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर। और सिंडीकेम रेलवे बस स्टैंड से? सिंडीकेम बस स्टैंड से 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर। तो ये हमारे राकेश भाई हमारे साथ में थे जिनका गोट फार्म है वैशाली नगर जयपुर के अंदर। किसी भाई को फार्मिंग पर्पज या कटिंग पर्पज से माल चाहिए तो अपने से इजीली कॉन्टेक्ट करे और माल ले। ठीक है राकेश भाई, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए बकरियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बॉडी वेट में हैं। कितने कितना वजन होगा इनका सर? इनका वजन है ये जैसे ये बड़ी वाली बकरी देख रहे हो ये है 80 केजी के आसपास की बकरी है, और ये वाली है 70 केजी की बकरी है। ये जो बड़ी बकरियाँ देख पा रहे हो आप ये जी, और जैसे ये बकरी देख पा रहे हो ये तो अभी अपने 85 केजी के आसपास। खड़ा करना इसका ऑर्डर, देखें कितना दूध होगा इसके नीचे लगभग। सर ये अभी क्या ऑर्डर सबके सूख रखे हैं क्योंकि ये सारी लोडेड है, याबिन बकरियां हैं। आप देख सकते हैं कितने पीस होंगे ये टोटल? टोटल तो ये 80-90 पीस है जी, काफी बड़े बकरियां फैल गई हैं, इधर उधर निकल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश भाई इस फार्म को आप कब से चला रहे हैं यहाँ पे? सर फार्म को तो बहुत टाइम हो गया आप उनको चलाते हुए, वैसे अपना एक फार्म वहाँ पे भी करते हैं। अजमेर में कहाँ पे? अजमेर में जनाना के पास में सर। अच्छा। जनाना के जस्ट सामने। और ये बकरी का क्या वजन रहेगा? ये बकरी का वजन रहेगा 45 केजी 45-50 केजी। हाँ 45 से कम ही होगी, ये कम लग रही है। हाँ बिल्कुल, हल्के वजन में लग रही है जी सर। तो ठीक है, किसी भी भाई को चाहिए वो आ सकता है वैशाली नगर जयपुर के अंदर, जयपुर रेलवे स्टेशन पर आगे आप कॉल कर सकते हैं, राकेश भाई आपको रिसीव कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले दिख रहा है, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर यही है, आप आइए एक बार कॉन्टैक्ट। अगर मैं किसी भाई का कॉल नहीं उठा पाऊँ तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, व्हाट्सएप पे हाँ लिख दे, आप उसको रिप्लाई दे दीजिए, वीडियो वगैरह लगा दे, बिल्कुल मिलेगा। किसी को वीडियो कॉल करके देखना हो वो भी आ सकता है। और विदाउट टोकन मनी का कोई सिस्टम है इसमें? सर देखो ऐसा होता है कि जैसे टोकन मनी, जैसे कोई भाई अभी तुमसे 40-50 जानवर मांग रहा है, जैसे बच्चे मांग रहा है, किड्स मांग रहा है जी, इस टाइप के बच्चे मांग रहा है, इस टाइप के बच्चे मांग रहा है, तो ये क्या अपने पास इतने अवेलेबल रहते नहीं है जी। तो उसके लिए क्या किसी भाई को जैसे 40-50 जानवर चाहिए तो वो एक बार कॉल कर ले, मेरे पास अगर अवेलेबल रहेंगे तो कोई टोकन मनी का इशू नहीं रहेगा जी, अगर नहीं रहेंगे मेरे पास अवेलेबल तो मैं उनसे सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत टोकन लूंगा। अच्छा। जो भी 20-50 हज़ार है। अगर कोई विदाउट टोकन मनी के आना चाहे तो एनी टाइम अवेलेबल मिलेंगे जी सर? जो मेरे फार्म पे अवेलेबल रहेगा वो माल में दे दूंगा उनको। और कोई डिफरेंट ब्रीड में डिमांड करेंगे तो उसके लिए आप टाइम ले लेंगे उसके बाद? जी सर, उसके लिए मैं एक से दो दिन का टाइम दूंगा मैं उनको, उसके बाद आप उसको प्रोवाइड करा के दे देंगे? बिल्कुल सर। ठीक है राकेश भाई, जैसे अभी आप देख पा रहे हो सोजत का किसी का ऑर्डर था जी, तो ये माल छटा हुआ है। अच्छा। तो वो छोड़ गया था पार्टी वाला कि भाई मेरे ये बेच रहे हैं ये बकरियाँ तुम्हारे, तो वो हमने रख ली, उनको जो पसंद आया माल वो लेके चले गए। अच्छा ऐसा रहता है? हाँ ऐसा रहता है, अपने ऐसा नहीं है कि भाई आपने टोकन दे दिया, आपने जो माल मंगवा लिया वो आपका है, ऐसा नहीं है। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आ रहा, 2-4 पीस वो छाट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छाट सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है राकेश भाई, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे दर्शकों के साथ बने रहे आप। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर कभी नेक्स्ट। ये जो अपनी सीप है ये बराड़ सीप, बराड़ बनारसी नहीं, बराड़ बराड़ बराड़
नस्ल की सीपें आई है, बराड़ नस्ल की, तभी ये फ्रेम में बड़ी है काफी। हाँ, ये बराड़ नस्ल की फ्रेम में बहुत बड़ी भेड़े है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या वजन है इनका सर? ये भी तकरीबन होगी 70 kg के आसपास की भेड़े हैं, ये सारी बड़ी भेड़े हैं। ये बराड़ नस्ल में क्या होता है, इनकी पूंछ लंबी आती है, दुम लंबी रहती है। हाँ, और ये क्या हैवी वेट में रहती है। अभी आप कई भेड़े देखेंगे वो बिल्कुल छुगली सी रहती है, लेकिन ये देख पा रहे हो आप कितनी मोटी ताज़ा भेड़े हैं। ठीक है,